हेलो गाइस, हैदराबाद वाले केस में आपको पता होगा कि एक डॉक्टर महिला की हत्या की जाती है गैंगरेप के बाद, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वैसे कि आपको पता होगा कि पूरी तेलंगाना में आज सड़कों पे पब्लिक आ गई है और उनको न्याय दिलाने के लिए हंगामा कर रही है, लेकिन पुलिस उन पे भी लाठीचार्ज कर रही है। कितना शर्मनाक है। इसी बीच यहाँ पर सनसनी खुलासे हुए हैं कि यहाँ पर जो स्कूटी थी उसकी खुद हवा निकाली गई थी, वो पंचर नहीं हुई थी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, और वीडियो अपन नए आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मैं कमेंट में अपनी राय जरूर देना। हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या के मामले में नए खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने पहले महिला डॉक्टर को टोल प्लाजा पर स्कूटी पार्क करते हुए देखा था, तभी एक आरोपी ने उसकी स्कूटी की हवा निकाल दी ताकि वे महिला डॉक्टर को अपने जाल में फंसा सके। इसी प्रकार ये पूरा मामला है कि फिर जली हुई लाश को यहाँ पर डाल दिया गया। पुलिस ने इस मामले में अभी तक चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और उन चारों की पहचान हुई है, वो है मोहम्मद आरिफ, नवीन, सिंता कुता, कैसावलो और शिवा के तौर पर हुई है। पुलिस जांच में ये पता चला कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश के तहत महिला डॉक्टर की स्कूटी पंचर की थी ताकि वे महिला डॉक्टर को अपने जाल में फंसाकर वारदात को अंजाम दे सके। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने महिला डॉक्टर को टोल प्लाजा पर जब स्कूटी सुबह पार्क की थी, तब एक आरोपी शिवा नाम जिनका, उन्होंने स्कूटी की हवा निकाल दी। जब महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी करके घर से निकली तो उसने देखा कि स्कूटी पंचर है। रात काफ़ी होने के कारण महिला डॉक्टर ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया और स्कूटी ख़राब होने के बारे में बताया। साथ ही बहन ने यह भी कहा कि कुछ उन्हें ठीक महसूस नहीं लग रहा है, उनके आजू बाजू में कुछ ऐसे लोग हैं जिससे उन्हें डर लग रहा है। पुलिस में दिए बयान के मुताबिक उनकी छोटी बहन ने महिला डॉक्टर को स्कूटी वहीं छोड़कर कैब से घर आने की सलाह दी थी। इसी दौरान आरोपी ने सिंता कुता, केशावलो और शिवा की मदद के लिए वहां पहुंच गए। शिवा स्कूटी ठीक करने के बहाने, जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी जो है वो शिवा है, वो स्कूटी ठीक करने के बहाने महिला डॉक्टर के पास गया और उनसे बातचीत करके डॉक्टर को कुछ दूरी पर ले जाता है, जहां बाकी सब आरोपी घात लगा के बैठे थे। वो ताक लगा के जैसे ही बैठे थे, जैसे ही महिला डॉक्टर वहां पहुंचती है तो आरोपी उन्हें बंधक बना लेते हैं। कितना शर्मनाक होगा, सोचने वाली बात है दोस्तों। पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि दरिंदी सबसे पहले आरोपियों ने उन्हें खूब शराब पिलाई, महिला डॉक्टर को भी जबरन शराब पिलाई जाती है। इसके बाद आरोपी आरिफ ने महिला डॉक्टर का मुंह हाथ से बंद कर दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। इस दौरान चारों आरोपियों ने बारी बारी से महिला डॉक्टर से रेप किया जाता है। माना जा रहा है कि सांस नहीं ले जाने के कारण महिला डॉक्टर का दम घुट जाता है और वो मर जाती है। आरोपी पेट्रोल खरीदते हैं और घटना स्थल से 30 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ पे शव को फेंक देते हैं और जला देते हैं। पुलिस को आसपास से शराब की बोतलें मिली है। आसपास के लोगों ने पुलिस की जगह काफी देर तक एक ट्रक के बारे में बताया था। ट्रक के आधार पर इन सभी को पकड़ा गया। इस साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया जिसमें चारों आरोपी शामिल थे। आप अपनी कमेंट में एक राय जरूर देना, क्योंकि ये जो चारों आरोपी, उनको हम चाहते हैं कि कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये फिर एक बार आगे फिर ऐसा कांड करेंगे। क्योंकि जो प्लान बनाया गया था पूरा छोटा समझा प्लान था, कोई स्कूटी पंचर नहीं हुई थी और ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ था। वंदे मातरम, जय हिंद। हमारी बहन को न्याय मिले।